पॉपुलर न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर। भीलवाड़ा सहित देश के अन्य शहरों से जनता की खरी कमाई के करोड़ों रुपए हड़पने वाली आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक सहित 11 आरोपियों को सुभाष नगर थाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर राज्य की दो अलग अलग जेल से गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को जयपुर और जालौर जेल से गिरफ्तार किया गया। सुभाष नगर थाना प्रभारी पुष्पा कासोटिया ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व 2019 में मुकेश मोदी और उनके परिजन भरत मोदी, राहुल मोदी ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी गठित की, जिसमें उन्होंने लोगों को आकर्षक ब्याज देने का भरोसा दिलाते हुए उनसे करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। राजस्थान के अलावा पूरे देश में इनके ऑफिस थे, जहां जनता का पैसा जमा होता था और उस पैसे से यह परिजनों के नाम से कंपनियां खोल लेते। जनता ने जब अपने पैसे वापस मांगे, जिनमें भीलवाड़ा के 2 दर्जन से अधिक लोग थे, जिनमें से 26 की रिपोर्ट हमारे पास है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में मुंबई के पौश इलाके बांद्रा में रहने वाली प्रियंका मोदी और उनके पति वैभव लोढ़ा, सिरोही के समीर मोदी, भरत दास, राहुल मोदी और मुकेश मोदी, जयपुर के रोहित मोदी व राजेश्वर सिंह, गुड़गांव के विवेक पुरोहित और अहमदाबाद के सिंह सिंगल शामिल है। इनसे पूछताछ जारी है और इनका रिमांड लेकर इनके मुख्यालय सिरोही में दस्तावेजों को खंगालेंगे। भीलवाड़ा से पॉपुलर न्यूज के लिए ब्रिजेश शर्मा की ये रिपोर्ट। मामला 2019 का है कि लव थाना क्षेत्र के लव गार्डन क्षेत्र जो है एरिया, वहाँ पे आदर्श सोसाइटी का एक ऑफिस बना हुआ था, जहाँ पे लोगों को अपने पैसे जो है वो जमा करा के उसको इन्वेस्टेशन ब्याज की जो अधिक दर थी वो दिया जा रहा था। 2019 से ये चल रहा था। 2020 के अंतर्गत आदर्श सोसाइटी के जो कर्मचारी थे मुकेश मोदी और इसके परिवारजन भरत मोदी, राहुल मोदी, इन्होंने कुछ जनता की जो खरी कमाई थी उसमें उन्होंने घोटाले करके वो पैसे वापस लौटा ही नहीं। जनता ने जब पता चला, जो इन्वेस्टमेंट थे या निवेशक थे जिन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, जिसमें भीलवाड़ा के कम से कम 30 लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे पैसे जमा कराए थे और 26 की रिपोर्टें हमारे पास मौजूद हैं। इनको राजस्थान से अलावा पूरी इंडिया में ही इनकी संस्थाएं हैं जहां ये लोग जनता की मतलब पैसे जमा कराते हैं और उस पर मोटी ब्याज दर पे अन्य कंपनियां खोलते हैं। इसी आदर्श सोसाइटी के अंदर जो जनता पैसे जमा कराती है उसी पैसों को ये को ब्याज पे देके नहीं, इन्होंने एक कंपनियां तरह तरह की खोल रखी है जिसके अंदर इनके फैमिली के मेम्बर्स और खुद के रिश्तेदार ही बड़े बड़े पदों पर मौजूद हैं। कल हम लोग इनको प्रोडक्शन वारंट से जयपुर से लेके आए हैं, 8 जनों को जयपुर से लेके आए हैं, 3 जनों को जालौर से लेके आए हैं। हमारे पास जो मुकदमे हैं इस तरह के 27 मुकदमे हैं जिनमें ये गिरफ्तार हैं, मतलब करनी है। अभी इनसे तफ्तीश जारी है, आज इनको जेल में मतलब प्रोडक्शन वारंट पे बढ़ा के पेश करेंगे और आगे भी तफ्तीश करेंगे। अभी इनसे जैसी रिमांड लेके आगे की और फाइलें भी निकालेंगे और इनके जो संस्था है मेन सिरोही के अंदर, इनका मुख्य हेडक्वार्टर है अहमदाबाद के अंदर, वहाँ जाके इनके दस्तावेज साक्ष्य जो भी हैं वो हम प्राप्त करेंगे। मेरे भीलवाड़ा में लगभग जो यहाँ की जो संस्था है आदर्श सोसाइटी, जिनमें कम से कम 1 करोड़ का जो टर्नआउट है यहाँ का और लोगों की जो पैसा है कम से कम 1 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा राजस्थान और राजस्थान के बाहर भी काफ़ी लोगों का पैसा इनकी कंपनी में अभी पड़ा है। पॉपुलर न्यूज ऐप से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।